हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मारुति का एक नगीना लेकर आया हूँ जिसे किसी भी प्रकार की पहचान की ज़रूरत नहीं है। इसने भारतीय मिडिल क्लास के लोगों के दिलों पर एक खास जगह बनाई हुई है। फिर भी अगर इसकी बात करें तो ये मारुति सुजुकी की वैगनार कार को अगर फ्रंट से देखें तो कार में आपको काफ़ी बड़े बड़े हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो देखने में कार को एक अच्छा लुक प्रोवाइड करती हैं। हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही नीचे की तरफ इंडिकेटर मिल जाती हैं। कार में अगर नीचे की बात करें तो आपको किसी भी प्रकार के फॉग लैंप नहीं मिलेंगे। फ्रंट में आपको क्रोम स्ट्रिप मिल जाती है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है। सुजुकी का लोगो फ्रंट में ऊपर की तरफ आपको दो वॉशर मिल जाती हैं, साथ में ही तो वाइपर ऊपर की तरफ आपको सीएनजी की वेजिंग मिल जाएगी। नॉर्मल सा एंटीना फेंडर पर आपको इंडिकेटर दिया हुआ है और स्टील व्हील के साथ एमआरएफ का 14 165 70 का टायर मिल जाएगा। हेड की अगर बात करें तो आपको बड़ी सी डोर मिल जाते हैं। आपको बॉडी कलर ORBM जो कि ऑटो एडजस्टेबल है। कार में अगर देखें तो डोर वाइज़र लगे हुए हैं और नीचे की तरफ डोर क्लैडिंग जो कि एक एसेसरीज का पार्ट है जिसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। कार की अगर साइड की बात करें तो कार देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। कार में आपको ABS विद ABD, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट, रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर, सेंटर डोर लॉकिंग, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाती हैं। रियर की अगर बात करें तो कार में आपको बड़ा सा बम्पर मिलता है कि बॉडी कलर में आपको मिल जाएंगे। रियर में आपको वॉल्वो टाइप टेल लैम्प मिलते हैं जिसमें आपको हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल मिलेगा। पीछे आपको CNG की बेजिंग, स्टॉप लाइट और बड़ा सा मिरर मिलता है। क्रोम में आपको पीछे वैगनार लिखा हुआ और सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। रियर से कार देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अगर हाइट की बात करें तो कार की हाइट अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। कार के अगर प्राइस की बात करें तो मैं आपको इनके सेल्स मैनेजर का नंबर दे दूंगा जिनसे आप कार की पूरी डिटेल ले सकते हैं। ये मारुति सुजुकी एरिना में विराट अनुराग जी यहाँ के सेल्स मैनेजर हैं। मैं इनका नंबर आपको दे दूंगा जिनसे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। कार के अगर इंटीरियर की बात करें तो आपको डुअल टोन ब्लैक एंड बेज में आपको कार का इंटीरियर मिल जाएगा। ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको फ्रंट डोर पर चारों पावर विंडो और ORBM के कंट्रोल मिल जाती हैं। सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल मिल जाएगा। हार्ड प्लास्टिक का कार में इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट में CNG फ्यूल और लाइट्स के कंट्रोल मिल जाती हैं। कार में आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा। फ्रंट सीट की बात करें तो कार में आपको नॉर्मल स्लाइडिंग और रिक्लाइंग सीट्स मिल जाती है। कोई भी आपको इसमें हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आपको फ्यूल ओपनर के लिए लीवर मिल जाएगा। कार के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो कार देखने में अंदर से बहुत ही सुंदर लगती है। ये आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जिसमें आपको ऑक्स वॉल्यूम कम बढ़ती करने के लिए मेन्यू फ़ोन पिकअप भी कर सकते हैं आप यहाँ से और काट भी सकती हैं। यहाँ से आपको चारों इंडिकेटर के लिए बटन मिल जाएगा। मैनुअल एसी मिलती है। ये इसका ब्लोअर है, एसी का बटन, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको गर्म चाहिए या ठंडी चाहिए। यहाँ पे आपको एयर की सेटिंग के लिए नीचे देखे तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पर छोटा सा आपको स्पेस, अपने कॉइन्स वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हैं। 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा आपको। नीचे आप एक कप होल्डर या बोतल होल्डर भी इसे बोल सकते हैं।
हैंड ब्रेक कार में मिल जाएगा। स्टीयरिंग की बात करें तो आपको कोई भी इस पर कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सादे से आपको वाइपर्स के कंट्रोल, आपको इस तरह से देखें तो कुछ आपको कार का मीटर मिल जाएगा। कार में आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं। आप ऑटो फोल्डेबल नहीं पर आपको ऑटो एडजस्टेबल मिरर मिल जाएंगे। कार के एसी बैंड्स देखें तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। ऊपर सीएनजी की बेजिंग, फ्रंट में आपको दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको एयरबैग मिल जाएंगे। कार में ये ग्लव बॉक्स है कार का, ये कोई कोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही जिसका ज़्यादा छोटा साइज है, मतलब मीडियम साइज इसे हम बोल सकते हैं। कार में डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRBM मिल जाएगा। फ्रंट में नॉर्मल हेलोजन लाइट मिलती है, साथ में डोर वाइजर पर आपको मिरर मिलता है। इस पर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। सीट देखें तो इसमें ये लेदर सीट लगी हुई है जो एक एसेसरीज का पार्ट है। कनार भाइयों, शुरू से ही अपने स्पेस के लिए जानी गई है, मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। मेरी 5 फुट 9 इंच हाइट है, काफ़ी मुझे इसमें लेग रूम मिल रहा है। हेड रूम की तो इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, कितना भी लंबा व्यक्ति हो उसके लिए इसमें हेड रूम जो है काफ़ी फिर भी बच ही रहता है। एक बार हम पीछे की सीट पर चल के देखते हैं। पीछे हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। अगली सीट मेरे अनुसार एडजस्ट है, आपको फ्रंट सीट में कोई भी रिमूवेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। लेग स्पेस की बात करें तो काफ़ी लेग स्पेस इसमें मिल जाएगा आपको। कार काफ़ी चौड़ी भी है, 3 लोगों के लिए इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। आपको कार में फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। एक बार आप पीछे से कार का डैशबोर्ड का व्यू देखिए। कार में आपको चारों डोरों पर वाटर बोतल के लिए स्पेस मिल जाता है और फ्रंट में आपको 2 स्पीकर भी मिलते हैं। यहाँ से आप कार का बोनट खोल सकते हैं। भाई बना ही रहे हैं। एक हजार सीसी का ये हमारे भैया, नाम बता दीजिए एक बार अपना। इसमें 1000 सीसी का इंजन मिल जाएगा, पेट्रोल प्लस CNG। ये हमारे विराट भाई, फोर स्ट्रोक इंजन है सर, ये 4 स्ट्रोक कार का इंजन मिल जाएगा। डबल बीबीटी। अब तो इसमें जेट इंजन ही आ रहे हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका इंजन है। कार के एक बार आप बूट स्पेस चेक कीजिए। कार में आपको 10 लीटर का CNG सिलेंडर मिल जाएगा, साथ में पार्सल ट्रे स्टपनी, आपको जो और साइज है टायर के वही साइज की आपको स्टपनी मिलेगी। इसके बाद भी आप थोड़ा बहुत सामान कार में अपना आराम से रख सकते हैं। एक छोटी फैमिली के लिए कार काफ़ी अच्छी है। बाकी चीज़ें के लिए आपका जो नॉर्मली होता है, हाँ नॉर्मल थोड़ा, हाँ छोटा मोटा सामान हो गया, कोई भी चीज़ होगी, सामान वामान बोटल्स हो गई या फिर फूड्स का कुछ, हाँ कुछ भी होगा, आप इस पर पासा ट्रिप पर रख सकते हैं। हाँ सही बात है ये आपकी। कार में आपको पीछे 2 सेंसर मिल जाएंगे। ये हमारे विराट भाई आकांक्षा शोरूम चंदोसी। अगर आपको कार के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो या डिटेल चाहिए तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में एक बार आपको दे दूंगा।